उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे बुलंदशहर। पश्चिमी प्रांत सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर किया गया पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मुख्य अतिथि। संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की सरकार की गिनाई उपलब्धियां और भाजपा पर किया जमकर हमला। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। यूपी की नगर पालिका बनी भ्रष्टाचार का अड्डा। गुजरात की विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती। गुजरात में आम आदमी पार्टी की बनेगी सरकार। जनता के टैक्स का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली में आबकारी नीति पर उठाए गए सवाल बेबुनियाद। ये सब कहना है राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। चुना था वहाँ पर सफलता मिली, उसके बाद पंजाब में और नगर निकाय चुनाव में सफलता हासिल करेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, आज आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आज आम आदमी पार्टी मुद्दे पर अपना मुद्दा लेकर जनता के बीच रहेगी। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, यहाँ से जाकर अपने अपने वार्ड में, अपने अपने नगर में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें और नगर निकाय चुनाव में सफलता दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे फैसल ताला खा रहे हैं, निवेदन दिलवा सकते भैया से, उसको उनको आज आम आदमी पार्टी का पटका पहना था, टोपी पहना कर उनको आम आदमी हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है कुमारी डेलीसा, डेलीसा निगम हिरनौट, जो कि रेलवे स्टेशन जिसके पास फास्टेस्ट रेलवे स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है और इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय राज्यसभा सांसद जी से, इस छोटी बच्ची आज बुलंदशहर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये कार्यकर्ता सम्मेलन नगर निकाय के चुनाव को लेकर है। नगर निकाय का चुनाव जो संभवतः दिसंबर या जनवरी में होगा, उस चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी। जो भी हमारे चेयरमैन के और सभासद के प्रत्याशी होंगे, नगर निगमों में मेयर और पार्षद के प्रत्याशी होंगे, उनके चयन की प्रक्रिया नीचे कर लो हल्की सी, हर जिले में सचिन भाई शुरू कर दी गई है और उसके लिए जिले जिले में जाकर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और चुनाव समिति के अध्यक्ष लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव के लिए मन बना चुके हैं, आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। प्रमुख मुद्दा नगर निकाय में है भ्रष्टाचार का। आज उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाएँ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। सफाई कर्मचारियों के नाम पर भ्रष्टाचार, गंदगी साफ करने के नाम पर भ्रष्टाचार, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार, सड़कें नालियां बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो नगर पालिकाओं और नगर निगमों में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसके खिलाफ लड़ाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा, सफाई हमारा प्रमुख मुद्दा होगा और जब आपको सफाई चाहिए तो उसके लिए झाड़ू चाहिए। इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं, गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ। ये यात्रा हमारी निकल रही है, पिछले 10 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से लेके 15 नवंबर तक हमने ये यात्रा रखी है लगभग 12 दिन की और 15 तारीख को इसका समापन होगा। गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुद्दे हैं इस वक्त आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डेंगू की बीमारी फैली हुई है, स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें आप मीडिया के लोग सामने करते हैं। कभी कोई कुत्ता वार्ड में घुस जा रहा है, कभी चीटियां एक मासूम बच्चे को आईसीयू में नोच के मार दे रही हैं, कभी
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की बदहाली का आलम यह है कि लोग कॉरिडोर में ज़मीन पर अपने मरीज को लेटाकर इलाज करते हैं। हमने स्कूल की हकीकत लाने का भी अभियान सामने किया था, स्कूलों की बदहाली सामने लाई थी आप लोगों को। कानून व्यवस्था की हालत आपसे छिपी नहीं है। ललितपुर के अंदर गैंग रेप की पीड़िता के साथ थानेदार बलात्कार करता है। चंदौली में एक घर में छापेमारी के दौरान एक बेटी को पीट पीट के पुलिस वाले मार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी कल में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।